हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल यमी कुकिंग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर चिकन। तो आइए फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 250 ग्राम चिकन, ऐसे छोटे छोटे पीसेस बोनलेस चिकन। तो अब इसमें एक छोटा चम्मच नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नींबू का जूस डाल के फर्स्ट मैरिनेशन करके हम रख देंगे। हम एक कंटेनर में थोड़ा सा सरसों का तेल और इसमें एक बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और दो बड़ी चम्मच दही मिला के अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे और फिर ये मिक्सचर हम चिकन में डाल के इसे सेकेंड मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आधा घंटा के लिए चिकन को मैरिनेट करके रखना है। अब मैं इसे 5-6 पीस टमाटो को छोटे छोटे पीस करके काट लूँगी। अब मैं ये दो प्याज को भी काट लूँगी छोटे छोटे पीस करके ऐसे। अब मैंने एक कढ़ाई में पानी डाल के गैस पे चढ़ा दी है और इसमें मैं डाल दूँगी टमाटो और कटे हुए प्याज। मैं इसमें डाल दूँगी 4-5 लहसुन और 4 ऐसे छोटे छोटे अदरक के पीस और काजू। अब मैं इसमें डाल दूंगी 3-4 छोटी इलायच, 3-4 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच बटर और इसे ढक के हमें लगभग 10 मिनट तक पकाना है। अब 10 मिनट हो चुकी है, सब इंग्रेडिएंट्स को बॉईल हुए हैं। तो अब इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसे हम पेस्ट बनाएंगे और ऐसे छाकने से हम इसे छान लेंगे और एकदम स्मूथ यहाँ पर जो है पेस्ट हमारा बन जाएगा ग्रेवी का। अब चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ली है पैन पे और ऐसे एक एक करके चिकन के पीसेस को मैं ये पैन पे रख दूंगी और इसे हम एकदम हाई फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे। हमें फ्लेम को मीडियम में नहीं रखना है या लो में नहीं रखना है क्योंकि ये अच्छी तरह से इसका टेस्ट नहीं आएगा, जो टिक्का वाला जो फील एकदम इसमें नहीं आएगा, वो एकदम नरम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें चिकन को एकदम हाई फ्लेम में पकाना है, इससे क्या होता है कि चिकन का फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अब चिकन टिक्का बनके तैयार हो गया और अब टाइम आ गया है बटर चिकन का ग्रेवी बनाने का। अब मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दी है और इसमें 2 बड़े चम्मच बटर डाल दूंगी मैं और अब इसमें थोड़ा सा हमें हरी मिर्च का तड़का लगाना है, इससे कि क्या होता है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है बटर चिकन का। तो अब मैंने जो स्मूथ पेस्ट बना के रखी थी वो इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें एक छोटा चम्मच नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा चीनी भी हमें इसे डालना है और फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं डाल दूंगी। अब मैं इसे ढक के 2 मिनट के लिए बॉईल करूंगी। दो मिनट के बाद इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी है और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसमें चिकन के पीसेस को डाल दूंगी और फिर इसे ढक के हमें 1-2 मिनट के लिए पकाना है। अब 2 मिनट हो चुकी है और वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। अब इसमें मैं थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल दूंगी और फिर इसे स्टर कर लूंगी। तो अब हमारा बटर चिकन का रेसिपी बनके तैयार हो गया। तो अब मैं इसे गर्मा गर्म सर्व कर लूंगी। प्लेट में सर्व करने के बाद फिर से थोड़ा सा फ्रेश क्रीम में इसे ऊपर से डाल दूंगी और थोड़ा सा धनिया पत्ता से इसे मैं गार्निश करूंगी। तो
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इस रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगला रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।